मुझे आज भी याद है कैसे मैं अपने सपने में देखा करता था कि मैं बाबा केदारनाथ धाम का यात्रा कर रहा हूँ, पहाड़ों पे घूम रहा हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरा यह सपना इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। बाबा केदारनाथ की हर हर महादेव। नमस्ते, मेरा नाम संतोष है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव सलारपुर से बिलोंग करता हूं। लाखों लोगों का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक बार केदारनाथ धाम का यात्रा करें। शायद आपका भी यह सपना होगा। कहते हैं कि आप अपने मर्जी से वहां नहीं जा सकते। जब आपके मन में सच्ची आस्था और भक्ति होती है तभी वो आपको अपने यहाँ बुलाते हैं, क्योंकि यह केदारनाथ का कठिन रास्ता एक सच्चा भक्त ही तय कर सकता है। शॉर्टकट ले लिए, पूरा सांस चढ़ गया, बैठे हैं पत्थर पे। बाबा केदारनाथ, अभी जो बारिश में स्नो फॉल स्टार्ट हो गया है, पहली बार स्नो फॉल देख रहे हैं। रियल में कहता है यहाँ स्वर्ग से हवा आता है, स्वर्ग जो है यहाँ स्वर्ग, रियल में स्वर्ग। लोग केदारनाथ को स्वर्ग कहते हैं और ऐसा सच में आपको वहां जाने के बाद महसूस होगा। केदारनाथ का यह धार्मिक यात्रा ना कि सिर्फ आपको आध्यात्मिक बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बदलाव लाता है। इस यात्रा के बाद आप अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा को महसूस करेंगे जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इस यात्रा की शुरुआत बिहार से होती है। हम दोस्त अंकित, मनीष, अमन, प्रिंस, पीयूष, सुशांत, प्रशांत, शुभम और राहुल भैया और मैं पटना के लिए निकलता हूँ। उसके बाद हम लोग दिल्ली जाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग हरिद्वार के लिए निकलते हैं। उसके बाद हम लोग गौरीकुंड पहुँच कर केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करते हैं। बाबा केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी यात्रा आप अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक कर सकते हैं। यह मंदिर सर्दियों के समय बंद रहता है। समुद्री तल से लगभग 3600 मीटर ऊंचाई पर यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आप लोगों को हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। वहां से आप सड़क मार्ग से गुप्त काशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक 16 किलोमीटर पैदल यात्रा है। वहां आपको घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर आदि की भी सुविधा मिलेगी। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां की कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर को महाभारत काल के बाद पांडवों ने बनवाया था, तो कई लोगों का यह मानना है कि इस मंदिर को आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। 2013 ईस्वी में उत्तराखंड में बहुत ही भयानक आपदा आया था। उस आपदा के दौरान वहां पर बसे सारे घर और होटल पानी के साथ बह गए और उस समय इतना कुछ होने के बाद भी बाबा केदारनाथ के इस भव्य मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस भयानक आपदा के दौरान ऊपर पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर मंदिर के पीछे बीचों बीच आकर लग गया, जिसके वजह से पानी का बहाव दोनों भागों में बट गया और इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। अब इस पत्थर की भी पूजा होती है और हम लोग इस पत्थर को भीमशिला कहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए द डिवाइन ड्यूटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी बाबा केदारनाथ का यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप पे बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहे। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल संतोष पदार ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर केदारनाथ यात्रा का बहुत सारा ब्लॉग है, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।